तीन बातें हैं, मन को शुद्ध करना और उसके साथ साथ अभीप्सा करना। तो जब हम मन को शुद्ध करते हैं और अभीप्सा करते हैं तो गंतव्य की तरफ हमारा मन चलने लगता है। गंतव्य क्या? जो हम चाहते हैं जीवन में वो मिलने लगता है। तो मैंने अभी सुना कि अब वो समझ में आती है बात, जैसे तुमने कहा कि अब वो बात समझ में आती है, तो वो समझ ज्ञान है और वो ज्ञान हमारे मन में बना रहता है। तो इसीलिए रात में सोते समय भी वो बात याद आ गई। तो हम थके हुए हैं या शांत हैं? चलो योग निद्रा की हम में चले जाते हैं, तो क्या मतलब हुआ? नींद की बजाय अब हम योग निद्रा में जा रहे हैं। तो अब ये बात समझनी है, यहां पर बात आती है मन को शुद्ध पहले करना ही होता है। बिना मन की शुद्धि के हमारी साधना हम नहीं कर सकते, सफल नहीं होगी। और वो अभीप्सा जो हमारी आंतरिक इच्छा है, तो पहले ज्ञान फिर इच्छा फिर कर्म। तो अब ये समझने की बात है कि आखिर कई सालों पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब क्यों हो रहा है। तो हमारे गुरु लोग समझाते हैं कि भाई पहली जो बात है, पहला जो ज्ञान है हमें इंद्रियों से मिलता है, ये स्थूल ज्ञान है। हमने किसी को देखा, बातचीत की, और एक है सूक्ष्म ज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान हमें अपने मन से और बुद्धि से मिलता है, पर सूक्ष्मतर है। तो सूक्ष्मतर का क्या मतलब हुआ? वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो वो जो स्तर है हमारे अंदर, वो वासना का है, वो संस्कारों का है। तो हम संस्कारों के प्रभाव को देख पाते हैं, संस्कार का हमें पता ही नहीं लगता। अब संस्कार एक पड़े हुए हैं कि कई सालों से हम दुखी थे, तो अब वो दुख के ही संस्कार पड़े हुए। जॉब पकड़नी है, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। काम करना है, पता नहीं काम में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये विचार बन के हमारे मन में आते हैं, नहीं साधना कर रहे हैं, पता नहीं पहले की थी ध्यान की साधना, कुछ नहीं हुआ तो अब जाना नहीं है। तो ये संस्कार जिनके बारे में हमें पता नहीं है, ये पहले मन में आते हैं, उसका इम्पैक्ट देते हैं, उसका प्रभाव देते हैं कि क्या करके करोगे, छोड़ो। तो ये जो संस्कार हैं, इन संस्कारों का रेचन हो रहा है आपके जीवन में। तो जैसे जैसे ये संस्कारों का रेचन होगा, तो ये संस्कार विचार, भाव और क्रिया बन के हमारे जीवन में प्रभावित नहीं करेंगे, तब जाके उसको हम कहते हैं कि मन की शुद्धि। तो जैसे ही शुद्धि हो गई, तब जाके हमारा क्या मन करता है? अब तो अभीप्सा, जीवन में उस आनंद को प्राप्त करना है। तो अभीप्सा, जबकि मन अंदर की ओर जाता है और इच्छा करता है अपने स्व को जानने की। एक बात क्यों जानने की? क्योंकि शास्त्र हमारे गुरु लोग हमें कहते हैं कि मन अगर अंदर जाता है और स्व को, स्वरूप को पाता है, तो हम आनंद में, प्रेम में, ज्ञान में आ जाते हैं। और जीवन में जो कुछ सबसे अच्छा होना है वही होता है। देखो दो बातें, मन की शुद्धि, मन का अंदर जाना, उन संस्कारों का धीरे धीरे रेचन होना, और फिर अभीप्सा के द्वारा जो कुछ सबसे अच्छा मेरे जीवन में,
वही होता है। तो जो कुछ सबसे अच्छा है, इतना श्रद्धा, इतना विश्वास आ गया, फिर डर की क्या जरूरत? काहे का डर, काहे की समस्या? तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि मन को शुद्ध करना है। अभी जैसा मन है उसको हम कहेंगे डिपार्चर पॉइंट है। मन में वो अवसाद, वो तनाव, वो दुख, कमी का भाव, और उन सब के भाव से माइंड क्या कहता है? कंफ्यूज्ड हूं मैं, रिएक्टिव हूं, थकान बहुत ज्यादा है, ऊर्जा का स्तर कम है, उत्साह की कमी है। ये सब पुराने संस्कारों के कारण है। तो मन की शुद्धि हो गई। अब इस मन की शुद्धि नहीं अगर होती है तो मन भटकता रहता है। अच्छा, थकान, क्या करूं क्या ना करूं, चलो सो जाते हैं, नींद नहीं आई, फिर कर देते हैं। एक उदाहरण, तो उसके कारण मन की गति और बाहर की ओर दौड़ती है, जिसको हम कहते हैं विक्षेप। और उसको करीब करीब बुद्ध ने कहा है प्रमाद के कारण ये विक्षेप, मन भागता रहता, प्रमाद के कारण मन भागता रहता। और प्रमाद हो गया, इम्प्यूरिटी, अशुद्धि हो गई मन की, और इसके कारण हम अज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। और अज्ञान में जैसे ही प्रवेश किया, तो जैसे मैं उदाहरण बता रहा था, बड़ा सूक्ष्म उदाहरण है पर गहराई से सोचने की बात है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि 25-28 साल की उम्र में भी दाढ़ी सफेद बस में जाते थे, तो मेरे से ज्यादा उम्र के लोग कहते थे कि भाई अंकल जी इधर हो जाइए, बड़े अच्छे। शुरू में तो लगा, तो वो लगा किसके कारण? देखो, अज्ञान, मन की अशुद्धि। और मन की अशुद्धि क्या? मन ने ये कह दिया तुम शरीर हो, तभी तो दुख होगा। तो गुरुदेव ने समझाया कि ये जान लो पहले कि क्या तुम शरीर हो। नहीं, शरीर बिल्कुल नहीं, तो फिर दिक्कत किस बात की? तो फिर मन में और प्रसन्नता का भाव आ गया। तो दो बातें हुई। तीसरी बात होती है इसमें कि पहले मन की शुद्धि करें, फिर अभीप्सा करें, और फिर गंतव्य की ओर चलें, जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, जो परम उद्देश्य है, उसको, उसकी राह पे चलते रहो, अच्छा ही होगा जो भी होना है, जो भी होना है, जो भी घटना घटनी है वो अच्छे के लिए ही होगा। तो ये उस मन की गति इस प्रकार की हो जाती है, मन का स्वभाव ऐसे हो जाता है। क्यों हो जाता? क्योंकि मन अब अपने स्वरूप को देख रहा है। एक बात हम इस ढंग से समझ सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि मन अब ईश्वर की अनुभूति कर रहा है अंदर। उसको पता नहीं है कि ये ईश्वर है या नहीं, पर उसकी अनुभूति कर रहा है। कई बार हम कहते हैं ना, मैं इतना प्रसन्न, आज प्रसन्नता इतनी क्यों है? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं इतना मस्ती में क्यों हूं? तो तीन बातें हैं। मन की शुद्धि, तो वो अशुद्धि कहां से आती है? संस्कार से। उसका प्रभाव कहां पड़ता है? हमारे मन पर। तो इसलिए बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारे प्रयोग हमारे गुरुओं ने हमें दिया है। और दूसरी बात कि अभीप्सा। अब हमें समझ में आ गया कि ये अभीप्सा हमें अपने स्वरूप की करनी है, या ईश्वर का नाम ले लो, या बुद्ध ले लो, कृष्ण ले लो, कोई भी ले लिया। रूप के पीछे एक ही सत्ता है। तो जब हम उधर करते हैं तो अशुद्धि की तरफ हमारा मन नहीं गया, तो धीरे धीरे आम जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। सुबह उठेंगे तो प्रसन्नता, प्रफुल्लता रहेगी, और मन को कहेंगे चल बैठ जा। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले मन कह रहा था कि तू बैठ,
और मन कहेगा तू बैठ, तो क्या होगा? मन अपने पुराने संस्कारों से काम करेगा। तो तीन बातों में साधना का रहस्य छिपा हुआ है, मन की शुद्धि, अभीप्सा और गंतव्य की ओर चलना। फिर कोई भी साधना करो चलेगा, कोई भी हम साधना करें वो चलेगी। यही तो हमारी परंपरा की खूबी है। तो अब हम उस साधना की ओर चलते हैं और साधना करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, आंखें कोमलता से बंद कर दिया हमने। अब सहज और सरल हो गए, सहज और सरल हो गए। तो पहले शरीर की व्यवस्था कर ली ना हमने, शरीर की व्यवस्था हम कर लेते हैं। तो शरीर को देख लिया, उसकी पोजीशन ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और गहराई से चलते, तो वो जो गहराई है उसी को मैं कहता हूं कंफर्टेबल। अभी हम मन को क्यों नहीं छेड़ रहे? हम इसीलिए नहीं छेड़ रहे मन को कि भाई वो वापस बार बार जो है वो पुराने संस्कारों के प्रभाव पर ना जाए। तो इसीलिए हम मन को बहलाते हैं, हम कहते हैं जाओ, कहाँ जाओ? इतना सरल है, कहाँ जाओ? गर्दन के जोड़ों पे जाओ, गर्दन के जोड़ पे गए तो वहां पे हमने अनुभव किया, क्या अनुभव किया? सहजता, सहजता का अनुभव किया, साथ में संवेदना का अनुभव किया और फिर स्थिरता का अनुभव किया। देखो और शब्द मैंने दिए, सहजता है। कबीरदास जी कहते हैं सहज समाधि भली, तो वो सहजता है, जैसे कि अब कुछ करना नहीं है, बस इसी भाव में बने रहना है। वो गहराई से इतना ले जाएगा मन को कि हम कहेंगे अरे ये कहां पहुंच गए। फिर अपने मन को हम कहां ले गए? गर्दन के जोड़ पे, सहजता है, जल्दबाजी भी नहीं है। देखो मैं इसलिए धीरे धीरे करा रहा हूं साधना। फिर हम चले गए हिप जॉइंट पर, कमर के जोड़ पर, घुटने के ऊपर। पर जैसे मन गया तो मन ने क्या अनुभव किया? संवेदना, सहजता और स्थिरता, यानी अभीप्सा मन की वहां पर है। तो मन के ऊपर हमने कार्य करना शुरू किया, मन को खुला नहीं छोड़ दिया कि वो हमारे ऊपर करता रहे। तो हमारे ऊपर करेगा तो फिर क्या होगा पता ही है। कितनी साधारण सी बात है और कितनी गहरी बात है।
पूरा शरीर स्पंदनों का अनुभव, उसमें संवेदना है, सहजता है, असहज नहीं है। जब मन शुद्ध होता है तो सहज होता है, पर फिर भी ऐसा होता, पुराने संस्कार जो इतने ज्यादा हैं हमारे जीवन में, तो उन संस्कारों को तो हमें उसका विरेचन करना होगा। वही हम कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं। और उसके साथ साथ केयरफ्री को मैं कहता हूं सरलता है। सरल, सरलता में क्या होता है, मन की आपाधापी जो है इतनी ज्यादा नहीं हुआ। विचार आते हैं, देखो विचार मतलब जो अनवांटेड विचार आ रहे हैं वही तो संस्कारों का प्रभाव है। इस समय जो भी अच्छे बुरे उल्टे सीधे ऊंचे नीचे विचार आ रहे हैं, बस हम कुछ नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं मन ये तू अपने विचार लाता रहा, हमें कुछ इससे लेना देना नहीं है। ये समझ, देखो क्या हमने कहा, मन को शुद्ध करें, तो ये भी एक प्रक्रिया हो जाएगी मन को शुद्ध करने की। पर उसके साथ साथ हम और गहराई में चलते हैं आज। तो शुद्ध करने के हमने कई प्रयोग किए, आज एक प्रयोग और करेंगे, क्योंकि अब आप सब गहरे साधक होते जा रहे हैं, इसीलिए गहरा प्रयोग। तो पेट और छाती दोनों से ही लंबा और तेज सांस लेना है और ध्यान रखना है। भ्रूमध्य में, सिर के अंदर, किसी भी स्थान पर आकाश में ध्यान रखें और गहरा लंबा सांस लें। ध्यान रखिए पेट और छाती दोनों से हो, तो पेट और छाती जब दोनों से होता है तब हम इसको तीन बातें हैं, मन को शुद्ध करना, लंबा तेज गहरा सांस पेट और छाती से। हम कौन सी प्रक्रिया में जा रहे हैं, मन को हम कह रहे हैं कि शुद्ध तो है, नहीं अभी और करना है। गहरा लंबा सांस, अभी हम गहरा लंबा सांस, गहरा लंबा सांस। हम मन को थोड़ा सा और चाहते हैं कि हमारी बात माने। एक प्रयोग है, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं मन की शुद्धि के, केवल यही नहीं है।
और अब शांत हो जाएं। देखो, मन के संस्कारों का जो पीछे से आते हैं, जिनके विषय में हमें पता नहीं होता, उनके प्रभाव का पता होता। आज दुखी हूँ, रिएक्ट कर दिया, कंफ्यूज हूँ, खुश नहीं हूँ, पर अब उस अनुभव को देखो जो हमने इसमें प्रयोग किया। मन को पूरे शरीर पर, सिर से पैर तक लाएं, संवेदनाओं का अनुभव करें, शिथिलता यानी रिलैक्सेशन और स्थिरता यानी स्टिलनेस यानी अचंचलता का अनुभव करें। फिर मन को सिर से पैर तक लाएं, बड़े प्रेम से, कोई जल्दबाजी नहीं, और सजगता, शिथिलता और अचंचलता का अनुभव। हमारा अनुभव से ही तो मन हमारा गड़बड़ होता है और अनुभव से ही ठीक होता है भाई। कन्फ्यूज्ड अनुभव, रिएक्ट कर रहे हैं अनुभव, थकान है अनुभव, लो एनर्जी अनुभव, अब क्या अनुभव है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अपने मन में जो संस्कार पुराने भरे हुए हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह हम कह रहे हैं ये नए संस्कार लाओ। इसीलिए साधना में तपस्या का बड़ा महत्व है। उस तपस्या का यही तो मतलब है, यही तपस्या कि पहले एक मिनट भी नहीं कर पाते थे, अब हम 3 मिनट कर रहे हैं, और गहराई में जाएंगे। तो जब 3 मिनट में वो संवेदना गहन हो जाती है, शिथिलता आ जाती है और अचंचलता आ जाती है, अब हम फिर एक और प्रक्रिया पे देखो। पहली जो प्रक्रिया थी उसको तपस्या के नाम पे कहो तो वो एक्टिव थी, अब हम पैसिव करेंगे। धीमा, गहरा, लंबा सांस, पहले पेट में, फिर छाती में, कंठ तक, और फिर सांस को धीमा, गहरा, लंबा बाहर भी निकालना। तो सजगता हो तो उस सजगता में दो बातें घटेंगी। एक तो हमें अनुभव होगा कि संवेदना सहजता और स्थिरता शरीर की बनी हुई है। दूसरी बात का अनुभव कि धीमा, गहरा, लंबा सांस होगा। तीसरी बार कि मन के वो जो संस्कार इधर उधर उठ रहे हैं उनका भी हमें पता लगेगा।
बस और कुछ नहीं करना है, उस सहजता में हमें धीमा गहरा लंबा सांस धीमा गहरा लंबा सांस चल रहा है, धीमा गहरा लंबा सांस। तो होगा क्या कि मन पहले थोड़ा सा उत्पात करेगा कि नहीं हो रहा, फिर हम करते रहते हैं। मन के ऊपर काम करना है ना हमें, तो मन अगर कहता भी है कि नहीं नहीं फिर भी हम कर रहे हैं। धीमा गहरा लंबा सांस, तो मन जब कार्य हम चाहते हैं कि हम उसके ऊपर कार्य करें और मन नहीं करता है, तो इसको हम कहते हैं कंफ्यूज रिएक्शन, नहीं हो रहा, हो रहा है। देखो करते चले जाएं।
और अब हमने इसको भी लंबा गहरा धीमा सांस को छोड़ दिया। थोड़ी सी बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया में अब हम जाएंगे। कौन सी सूक्ष्म प्रक्रिया? सांस को देखो, और जैसे ही सांस अंदर गई मन ने कहा शांतो हम, सांस बाहर आई मन ने कहा शांतो हम। देखो, प्राण और मन को अगर हम जोड़ देते हैं तो थोड़ी सी गहराई आ जाती है ध्यान में। तो वही हम काम करें। देखो, एक तो जगह सजगता है, संवेदना है, सहजता है, स्थिरता बनी हुई। पर अभी हम सांस को देखा, अंदर गई शांतो हम, बाहर आई शांतो हम, अंदर गई शांतो हम, बाहर आई शांतो हम। हम बार बार उसी बात पर ध्यान दे रहे हैं, मन को शुद्ध करना। मन को अंदर ले जाना। तो कभी भी ये जो स्टेप है हम कभी भी कर सकते हैं। उसका दूसरा भाग क्या है? शांतो हम दो बार सांस के अंदर जाते समय, सांस और दो बार शांतो हम सांस के बाहर आते समय। बस जैसे ड्रॉप कर दिया, शांतो हम, पर सांस के ऊपर अंदर जाते समय, बाहर जाते समय। बड़ा चुपके वाला तरीका है जिससे कि मन अंदर जाए। आप सब साधक होते जा रहे हैं इसीलिए ये प्रयोग। पर ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जो अभी साधक नहीं हुआ उसके लिए ये प्रयोग सफल हो, पॉसिबल नहीं। इसीलिए तो मैं इतनी साधनाएं देता हूं कि हरेक का जो है
हर एक साधक की साधनाएं अलग होती है, इसीलिए शिष्य और गुरु परंपरा है, और किसी लिए नहीं है। अब तीन बार करके देखें, वही सांस, शांतो हम शांतो हम शांतो हम। क्या खूबी है कि वो शांतो हम ऐसा लगता है जैसे हमें दिखाई दे रहा है, देखने में तो टाइम नहीं लगता ना। सांस चाहे स्वाभाविक हो, देखो कहने में लगेगा मेरे पास दो मॉनिटर हैं, दो स्पीकर हैं, मैं बात कर रहा हूं, और देखने में तुरंत। तो जब मैं कहता हूं तीन बार शांत हूं शांत हूं शांत हूं, वस्तुतः वो दिखाई दे रहा है सामने उसी सांस पर। ये तंत्र की प्रक्रिया है, इसकी और गहराई में हम जाएंगे। फिलहाल और अब दो पर आओ, सांस वही शांतो हम शांतो हम। इतना काफी, बड़े अब ऐसा लगेगा जैसे मन और खुल गया। According to Wikipedia.org, बीच बीच में अपने आप बोलता,
और अब एक बार ही शांत हम चलता रहे। हर एक बार हम आपके चेतना के स्तर से हम ये प्रयोग हमेशा और अब इस एक बार को भी छोड़ देना है। अब क्या देखना है, दाई नाक से जो सांस आ जा रही है उसको देखें कुछ सेकंड के लिए, फिर बाई नाक से, फिर दाई नाक से और फिर बाई नाक से। ये चेक करें कि किस नाक से श्वास का प्रवाह कम है और किस से ज्यादा है। बिना कुछ बदले, बस देख रहे हैं हम। और अब अपने मन को स्वाभाविक रूप से दोनों नाक के बीच में ले आए। तो यदि दोनों नाक से श्वास का प्रवाह एक जैसा हो जाता है, मतलब समान है, इन दोनों नाक पूरी तरह से खुली है, ऐसी अवस्था में अगर हम अभीप्सा करते हैं तो यह बहुत अंदर जाती है और हमें गहराई में ले जाती है। कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करने की अवस्था में अब सब कुछ हमने छोड़ दिया। उस आनंदमय चेतना पर शांति
शांति शांति ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। अपने मन को आहिस्ता से दाएं हाथ पर लाएं, फिर बाएं हाथ पर लाएं। दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आएं, अंदर ही अनुभव करें और आहिस्ता से हाथ नीचे।